अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ फहद यूनस, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस की। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया है, स्मार्ट सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, स्पेशली 10th क्लास का। सिलेबस रिड्यूस करने की बड़ी वजह एक लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन लग चुका है, आप लोगों की छुट्टियाँ, टाइम वेस्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। इसीलिए गवर्नमेंट ने किया क्या है कि इस छुट्टियों को कवर करने के लिए उन्होंने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, ताकि बच्चे अपना सिलेबस ईजीली कवर अप कर सकें। अब हुआ इस तरह से कि लॉकडाउन लगने के बाद दोबारा लॉकडाउन लग गया और आपके पेपर थोड़े डिले कर दिए गए हैं। आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप थोड़े कवर करना चाहें चीज़ों को, आप इजीली कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, स्पेशली 10th क्लास। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के 9th क्लास के एग्ज़ाम नहीं हुए, आप लोगों के जस्ट 10th क्लास के एग्ज़ाम होने हैं। अब आप लोगों को एक डबल बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के जितने मार्क्स अब काउंट किए जाएंगे 10th क्लास में, आपके उतने ही मार्क्स 9th क्लास में काउंट किए जाएंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी 9th क्लास में तैयारी अच्छी नहीं थी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी 9th क्लास के अंदर। अब इशू किस चीज़ का आया कि जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक अच्छा मौका मिल गया है, वो अब तैयारी कर सकते हैं 10th क्लास के अंदर और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जिनकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी थी, उनके लिए बेनिफिट ये है कि वो अभी भी अच्छी मेहनत करें और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं फर्दर आगे। तो आप लोग कोशिश करें कि दोनों के दोनों 9th क्लास एंड 10th क्लास दोनों में आपके मार्क्स कंबाइन होकर अच्छे मार्क्स काउंट किए जाएं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें, जितनी हो सके ज़्यादा मेहनत करें, जो आपके वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं इनको सुने, जो इश्यूज आते हैं आप हमारे साथ डिस्कशन करें कि हमें यहाँ यहाँ पर इशू आए हैं, हम इंशाल्लाह आपके वो इशू रिजॉल्व करवाएंगे। सो हम लोग आज डिस्कशन करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है प्रॉब्लम का, यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है प्रॉब्लम। लफ्ज़ प्रॉब्लम का क्या मतलब है? मसला। अब अगर आप लोग नोट करें, आप लोग सुबह उठने से लेकर शाम तक बहुत सारे मसलों को फेस करते हैं, उनको सॉल्व भी करते हैं, यानी कि जस्ट फेस कर रहे हैं, उनको सॉल्व भी कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ अकेडमी आया हूँ, अब मैंने अकेडमी आने के लिए बहुत सारे मसले फेस किए, ट्रैफिक का इशू था, रोड क्रॉसिंग में इशू था, इशारे लगे थे उनका इशू था, बहुत सारे इशू रिजॉल्व आए मुझे, बहुत सारे इशू आए। अब उन इश्यूज़ को किस तरह से रिजॉल्व किया, वो मेरे पास क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किसी भी तरह के मसले को जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास जस्ट एक स्टेप नहीं है, ये हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों की वो बात कर रहा है मल्टीपल स्टेप, यहाँ आप लोगों के 9 स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं उसने, क्योंकि आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस है और आप लोगों के स्टेप्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। यहाँ आप लोगों का जो पहला स्टेप स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनता है, वो आप लोगों का एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट बनता है। यह आप लोगों का फर्स्ट स्टेप बनता है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात कर रहा है किस चीज़ की? एल्गोरिदम की बात कर रहा है। व्हाट इज़ एल्गोरिदम? ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आपका टॉपिक आगे जाकर आएगा डिटेल में कि एल्गोरिदम क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं इसको। यहाँ पर वो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की बात कर रहा है, इसके अंदर आप लोगों के वो एक्सप्लेन कर रहा है डेफिनेशन को प्रोग्राम की, कि व्हाट इज प्रोग्राम। अब प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है? प्रोग्राम हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं। प्रोग्राम हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हदायात हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी काम को परफॉर्म करवाने के लिए। आपके पास कुछ भी इंस्ट्रक्शन, आप लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, गूगल पे कुछ सर्च करते हो, आप लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, आप गूगल पे कुछ सर्च करने गए हो, आपने कुछ टाइप किया, जो आप लोग टाइप कर रहे हो वहाँ पर, वो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए हैं। आप लोग गेम खेल रहे हो, आपने गेम खेलने के लिए उस गेम को ओपन किया, जो ओपन किया गया है वो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो गेम को कि गेम ओपन की जाए। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी किस्म के टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम कहलाते हैं। प्रोग्राम क्या है हमारे पास? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को दी जाएंगी, कुछ हदायात जो कंप्यूटर को दी जाएंगी किसी भी मसले को सॉल्व करवाने के लिए, वो हमारे पास क्या है?
प्रोग्राम कहलाता है। सेकंड वाला आपको डेफिनेशन जो इसके अंदर आती है वो आती है डेस्क चेकिंग की। डेस्क चेकिंग क्या होता है, व्हाट इज डेस्क चेकिंग? ये बोर्ड में बहुत दफ़ा क्वेश्चन आपको आ चुका है डेस्क चेकिंग के बारे में, इसलिए आप लोगों ने इसको ध्यान से कवर करना है डेस्क चेकिंग को। डेस्क चेकिंग क्या है हमारे पास, डेस्क चेकिंग इज़ द प्रोसेस है हमारे पास, ये हमारे पास एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? किसी एल्गोरिदम को टेस्ट करने का। अब डेस्क चेकिंग क्यों है, किस लिए बनाया गया डेस्क चेकिंग, ये प्रोसेस किस लिए बनाया गया? हम लोग जब कभी एल्गोरिदम को लिखते हैं, तो एल्गोरिदम को लिखने के दौरान हम लोगों को पूरा का पूरा एल्गोरिदम जब लिख लिया, जब कभी हम लोग पूरा एल्गोरिदम लिख लेते हैं तो उसके बाद हमें कुछ इश्यूज आते हैं। इश्यूज क्या आते हैं, हम चेक करना चाहते हैं क्या मेरा एल्गोरिदम ठीक है या नहीं, वर्किंग ठीक कर रहा है या नहीं, क्या इश्यूज हैं। उसको चेक करने के लिए हम लोग ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं डेस्क चेकिंग का, जो एल्गोरिदम की वर्किंग को चेक कर रहा होता है कि मेरा जो एल्गोरिदम है ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको कौन चेक करेगा, ये प्रोसेस डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग हमारे पास एक प्रोसेस है किस चीज़ के लिए, किसी एल्गोरिदम की वर्किंग को टेस्ट करने के लिए कि वो वर्किंग ठीक से हो रही है या नहीं। अब ये जो वर्किंग टेस्ट की जा रही है, ये वर्किंग कहाँ टेस्ट करते हैं हम लोग, पेपर के ऊपर टेस्ट करते हैं। एल्गोरिदम में हम लोग करते हैं क्या, इस वर्किंग को टेस्ट किया जाता है पेपर के ऊपर, जिसमें हम लोग कुछ सम टेस्ट डेटा लेते हैं, हम कुछ डेटा लेते हैं टेस्ट के लिए, वो हम एज अ इनपुट के तौर पर देते हैं। जब हम डेटा इनपुट के तौर पर देंगे हमें उस सूरत में आउटपुट मिलनी होती है, वो हमारे पास क्या है, डेस्क चेकिंग। सिंपल डेफिनेशन क्या है, डेस्क चेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम ऑन पेपर फॉर सम टेस्ट डेटा। हमने पेपर पे उसको चेक करना है कुछ टेस्ट डेटा देकर, कुछ इनपुट देकर कि वर्किंग ठीक हो रही है कि नहीं, हमारे पास जो रिजल्ट उसका आएगा एल्गोरिदम का वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हम चेक करते हैं बाई यूजिंग डेस्क चेकिंग। आप लोगों के इसके बाद लास्ट डेफिनेशन जो इसने लिखी है वो हम लोगों ने बात की फ्लो चार्ट की। आप लोगों का चैप्टर का एंड फ्लो चार्ट पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हम पढ़ेंगे। ये दो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है, किसी भी डेटा की फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। नॉर्मली हम लोग जब एल्गोरिदम लिख लेते हैं, जब कभी एल्गोरिदम लिख लिया जाता है उसके बाद हमारे पास फ्लो चार्ट बनाया जाता है उसका। हमारे एल्गोरिदम्स को शेप्स की शक्ल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है ताकि हम लोग ग्राफिकली चेक कर सकें कि ग्राफ्स में किस तरह लगता है। आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों को डाटा दिया जाए, कोई भी डाटा दिया जाए, अगर आपको ग्राफिकल डाटा दिया जाए इमेज की शक्ल में, आप लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आपको डाटा लिख कर दिया जाए तो आपको मे बी सारा डाटा स्टडी ना करो, कुछ डाटा स्किप कर जाओ वहाँ पर। अगर आपको वही डाटा आपको इमेज बनाकर दिया जाए, ग्राफिक्स बनाकर दिया जाए, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड करोगे इसमें क्या लिखा है, किस तरह लिखा है, क्या काम किस तरह हो रहा है। क्योंकि ये एक ह्यूमन की नेचर है, एज अ ह्यूमन एक इंसान किसी ग्राफिक्स को जल्दी अंडरस्टैंड करता है, जल्दी पिक कर लेता है ग्राफिक्स को, इमेजेस को। और फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है, किसी डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। वो डाटा का मतलब एल्गोरिदम है, किसी एल्गोरिदम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या कहलाती है, फ्लो चार्ट कहलाती है। फर्दर सो डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के एंड पर देखेंगे कि क्या डिटेल में बात कर रहा है, ये डिटेल में बात करेगा फ्लो चार्ट के बारे में। आप लोगों का सेकंड प्रोसेस, ये हम लोगों ने फर्स्ट की बात की अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, आप लोगों का जो सेकंड प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो बात कर रहा है उसके अंदर टेस्टिंग की। सॉरी, आप लोगों का जो सेकंड प्रोसेस है वो बात कर रहा है कोडिंग की। वो कोडिंग की बात कर रहा है। कोडिंग क्या होती है, कोडिंग कहते हैं प्रोग्रामिंग को, कोडिंग किसको कहते हैं, प्रोग्रामिंग को। कोडिंग कहते हैं प्रोग्रामिंग को। प्रोग्रामिंग करता कौन है, प्रोग्रामिंग हमारा डेवलपर करता है। ये कौन करता है, हमारा डेवलपर करता है, या दूसरे अल्फाज हम कहते हैं इसके प्रोग्रामर करता है। ये कोडिंग कौन करता है, हमारा प्रोग्रामर करता है या डेवलपर करता है, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करता है। आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों को कहा जाए इंग्लिश बोलें तो आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, आपको कहा जाए उर्दू बोलें आपको उर्दू आनी चाहिए। इसी तरह कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो उस काम के लिए हमें उसकी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी, हर लैंग्वेज दूसरे से डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ी बहुत सिंटैक्स वाइज थोड़ी डिफरेंट है हमारे पास लैंग्वेजेस। अब कोडिंग में जो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप लोगों की बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसके अंदर है सिंटैक्स
ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बात कर रहे हैं सर डेफिनेशन की, ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुकी हुई है। व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स से क्या मतलब है, उसको लिखने का तरीका, ठीक है, यही बात वो यहाँ कह रहा है। लफ्ज़ सिंटैक्स इस्तेमाल किया जा रहा है। देखकर आप नोट करें, इंग्लिश लिखने का अपना सिंटैक्स है, उर्दू लिखने का अपना सिंटैक्स है, अरबिक लिखने का अपना सिंटैक्स है, हर लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, उसके ग्रामर के रूल्स होते हैं। ग्रामर के रूल्स होते हैं, ठीक है। अब ग्रामर के रूल्स, ये हमारे पास सिंटैक्स, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर ग्रामर का अपना रूल होगा, ठीक है। द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर लैंग्वेज का अपना ही रूल डिफाइन होता है, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेज, अगर आप लोगों की बात की जाए, आप लोग लैंग्वेज जो इस्तेमाल करोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका नाम बेसिक है। इसी तरह लैंग्वेज सी भी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, पास्कल है। ये लैंग्वेज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं, बेसिक आप लोग पढ़ेंगे आप 10th क्लास के अंदर। ये हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमेशा किसमें होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लो लेवल के अंदर भी होती हैं, लेकिन एवरेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास हमेशा हाई लेवल के अंदर, जो इंसान के लिए समझने में आसानी हो। अब यहाँ हम लोगों ने बात की सिंटैक्स की। सिंटैक्स का मतलब क्या है, ग्रामर के रूल्स उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए जो ग्रामर के रूल्स होते हैं हमारे पास, वो क्या कहलाते हैं, सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन थी किसकी, कोडिंग की। इसके बाद आप लोगों, यहाँ तक आप लोगों के शॉर्ट हैं, ये टॉपिक भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन ही है। इसके बाद आप लोगों का टॉपिक शुरू होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। जो नेक्स्ट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन आपका, आज वो डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ तक हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। अब एक दफ़ा हम लोग चेक कर लेते हैं हमने अभी तक क्या चीज़ें कवर की हैं। अभी तक हम लोगों ने बात की किस चीज़ की, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी मसले को हल करना, वो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। किसी मसले को किस तरह से हल किया जाता है, क्या क्या मेथड है सॉल्व करने के मसले को, वो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग किस मेथड को सिलेक्ट करते हैं नॉर्मली, वो मेथड जो सबसे इजी होता है, सबसे आसान मेथड हो और अच्छे रिजल्ट दे रहे हो, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में उस मेथड को हल करते हैं। या आप लोग बेहतर जानते हैं कि जब कभी मसला आता है तो एक मसले के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, एक मसले को सॉल्व करने के 2, 3, 4, 5 सॉल्यूशन होते हैं। आप लोग उस सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं जो सबसे आसान है, सबसे छोटा है और इजी है, लेकिन उसका रिजल्ट आपके पास बेहतर आना चाहिए, ये लाजमी होता है। ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग था। आप लोगों ने फिर बात की फर्स्ट टॉपिक की, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, जो कि आप लोगों का कंप्यूटर का है, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। फर्स्ट वन बात की प्रोग्राम की, ये आप लोगों का पहला शॉर्ट क्वेश्चन था, कौन सा, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी जो कि आप कंप्यूटर को देते हैं किसी मसले को हल करवाने के लिए। हदायत होती हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं, जो हम खुद देते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंप्यूटर उन हदायत के अकॉर्डिंग कोई काम परफॉर्म करता है। आपको अभी एग्जांपल दी थी मैंने, अगर आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हैं, आप खुद से इंस्ट्रक्शन देते हैं पहले, गूगल उस पर वर्किंग करता है। लेकिन मैंने सर्च किया facebook.com, गूगल ने पहले इसको चेक किया कि फेसबुक एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है, ला के मेरे सामने ले आया फेसबुक, ये फेसबुक है। अब हमने इंस्ट्रक्शन दी और उसने हमें आउटपुट दे दी लाकर। इसी तरह प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि आप कंप्यूटर को देते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। मैंने गूगल पे फेसबुक सर्च किया था तो फेसबुक मेरा क्या था, स्पेसिफिक टास्क था। सेकंड वो बात कर रहा है किस चीज़ की, डेस्क चेकिंग की बात कर रहा है। डेस्क चेकिंग क्या थी हमारे पास, किसी एल्गोरिदम, यहाँ बात की उसने एल्गोरिदम की। डेस्क चेकिंग हम लोग चेक करते हैं एल्गोरिदम को, डेस्क चेकिंग प्रोसेस बनाया ही एल्गोरिदम्स के लिए गया था,
ठीक है, किसी एल्गोरिदम की वर्किंग को टेस्ट करने के लिए। डेस्ट चेकिंग क्या आता है, किसी एल्गोरिदम की वर्किंग को चेक करते हैं कि वो ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। वो चेक कहाँ किया जाता है, पेज के ऊपर। एक पेज के ऊपर हम लोग खुद से लिखते हैं और टेस्ट करते हैं। टेस्ट किस तरह किया जाता है, हम इनपुट देते हैं उसको, इनपुट देकर हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट ठीक आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर रिजल्ट ठीक नहीं आते हम दोबारा रिपीट करते हैं, दोबारा चेक करते हैं हमारे से कहाँ पर मिस्टेक हुई है, कहाँ गलती हो रही है, जहाँ से हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, डाटा ठीक नहीं आ रहा। यह हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था आप लोगों का डेस्ट चेकिंग, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप लोगों ने इसको ध्यान से लाजमी कवर करना है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी किस चीज़ की, फ्लो चार्ट की बात की थी। फ्लो चार्ट क्या था, किसी एल्गोरिथम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देना, किसी एल्गोरिथम को लेना जो बनाया है हम लोगों ने, उसको डिफरेंट ग्राफ के शक्ल में लेकर आना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। अपने एल्गोरिथम तो अवेलेबल थे, हमने भी लिखा है यहाँ पे एल्गोरिथम, वो लिखेंगे हम आगे जाके फर्दर। उस एल्गोरिथम को टेस्ट किया जाता है पहले डेस्ट चेकिंग के जरिए, अगर एल्गोरिथम बिल्कुल ठीक है देन उस एल्गोरिथम का हम लोग फ्लो चार्ट बना देते हैं कि एल्गोरिथम काम ठीक कर रहा है, उसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर दिया जाता है, उसी एल्गोरिथम को शेप की शक्ल में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दे दी जाती है। ये हमारे पास फ्लो चार्ट, जिसको हम लोगों ने अभी डिटेल में बात करनी है। ये टॉपिक आप लोगों का भी डिटेल में पढ़ना है हम लोगों ने, जो कि आप लोगों का चैप्टर के एंड पर जाकर आएगा। फिर वो बात कर रहा है किस चीज़ की, कोडिंग की बात कर रहा है। कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है। कोडिंग भी हम लोग करते हैं, क्या है प्रोग्रामिंग। कोडिंग के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है ये कौन करता है, प्रोग्रामर करता है उसको। ये प्रोग्रामिंग कौन करेगा, हमारा प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन होता है वैसे, एक ऐसा इंसान जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करता है, ऐसा इंसान जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, जैसे ये लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, पाइथन, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए प्रोग्राम लिखता है, वो कौन होता है, प्रोग्रामर होता है। अब इसके टॉपिक के अंदर आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बोर्ड में आती है वो है सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, पहले बात करते हैं सिंटैक्स, इसके अंदर लिखा हुआ है। सिंटैक्स क्या होता है, किसी चीज़ को लिखने का तरीका, मेथड, वे, या हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं उसका तरीका हमारे पास सिंटैक्स होता है, कि उसको किस तरह से लिखा जाएगा। किसी लैंग्वेज को लिखने का जो तरीका हमारे पास है, जो ग्रामर के रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उस लैंग्वेज को लिखने के लिए, वो हमारे पास सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर लैंग्वेज का अपना ही रूल होता है, हर लैंग्वेज ग्रामर के अपने रूल्स होंगे, ठीक है। लैंग्वेज के रूल कभी सेम नहीं होते, कुछ हद तक सेम हो सकते हैं, लेकिन एवरेज आप लोगों के जो रूल्स हैं हर लैंग्वेज का दूसरे से सेपरेट ही होगा, दूसरे से चेंज ही होगा। ये आप लोगों का थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन था जो बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है, डिफाइन सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके बाद आप लोगों का टॉपिक है टेस्टिंग का। टेस्टिंग और डीबगिंग, यहाँ वो बात कह रहा है, अगर हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा, कोड किया, जो प्रोग्राम लिखा गया है, जो प्रोग्राम कोड किया गया है, उसको टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है क्या वो ठीक से काम कर रही है या नहीं। ये आपका पूरा लॉन्ग है जिसको हाफ हम आज करेंगे जस्ट डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें दो डेफिनेशन है इस तरह की यहाँ जो बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुकी हुई हैं। यहाँ वो बात कर रहा है टेस्टिंग। टेस्टिंग हम लोग करते हैं क्या, चीज़ को टेस्ट करते हैं कि वो चीज़ सही तरह से काम कर भी रही है या नहीं कर रही, उसकी वर्किंग को टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट कौन करता है, प्रोग्रामर करता है, ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट कंपाइलर, उनको यूज़ करते हुए हमारा प्रोग्रामर टेस्ट करता है उसको। या और सेकंड वो बात कर रहा है किस चीज़ की, डिबगिंग की बात कर रहा है। डिबगिंग को करने से पहले एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो आप लोगों का बग है, जो कि बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है। व्हाट इज़ बग, आप लोगों के बुक में ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, बग की आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन तो आया। अब बग क्या होता है, एरर इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम में मौजूद गलती बग कहलाती है। आप लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, आपके कंप्यूटर में कोई फाइल ओपन नहीं होते, कोई फाइल क्रैश कर जाती है, कोई भी इशू आता है, पता है कंप्यूटर में एरर आ गया, आप लोग यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर में क्या आ गया, एरर। अब इस लफ्ज़ एरर को, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है एरर का, इस एरर को प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे बग का। दोनों सेम मीनिंग है, एरर भी एरर ही है, बग भी एरर ही है, लेकिन लफ्ज़
कंप्यूटर की जुबान में हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। प्रोग्रामिंग की जुबान में क्या कहते हैं उसको, फर्क क्या है? कंप्यूटर की जुबान में हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एरर्स का, प्रोग्रामिंग की जुबान में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बग का। सिर्फ ये फ़र्क है, बातें दोनों में सेम ही हैं, दोनों का मकसद भी सेम है, दोनों सेम काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब लफ्ज डिबगिंग क्या है फिर? बग हमारे पास क्या है? जस्ट एरर। कंप्यूटर में एरर आया वो एरर कहलाएगा, प्रोग्राम के अंदर एरर आया वो बग कहलाएगा। अब दूसरी बात की जा रही है डिबगिंग की। डिबगिंग क्या है? अगर प्रोग्राम में एरर आ गया है, अगर प्रोग्राम के अंदर एरर आ गया है, उस एरर को फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग एंड रिमूविंग, किस चीज़ को रिमूव करना है? एरर को। फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज कॉल्ड डिबगिंग। जो एरर आया उसके पहले फाइंड किया जाएगा कि एरर कहाँ पर आया, किस तरह का आया, देन उसको रिमूव किया जाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है। ओके, होप सो आप लोगों को किसी किस्म का इशू नहीं होगा। ओवरऑल जितना हम लोगों ने कवर किया यहाँ तक, हम लोगों ने जस्ट डेफिनेशन की प्रोग्राम की, देन डेफिनेशन की डेस्ट चेकिंग की, फिर डेफिनेशन की सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड लास्ट में नो डेफिनेशन की, एक बग की डेफिनेशन की, एक डिबगिंग की डेफिनेशन की। ये हमारी डेफिनेशन है, पांच डेफिनेशन है टोटल। बाकी इसके अलावा आप लोगों का इससे फर्दर, आप लोगों का इसके जो फर्दर टॉपिक है वो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है, जो कि इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी आज के लिए हम लोगों ने इतना ही कवर करना था, बाकी इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हम लोग कल मिलेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।